नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। 16 दिसंबर वो तारीख जिसे एक तरफ हम विजय दिवस के तौर पर याद करते हैं तो दूसरी तरफ उस काली रात के तौर पर भी याद किया जाता है जब देश की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था। जी हां, हम बात कर रही हैं निर्भया कांड की। निर्भया कांड को हुए आज 8 साल बीत गए हैं। 4 दोषियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है लेकिन आज भी महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में कमी नहीं आई है। दिल्ली में अक्टूबर तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक रेप के लगभग 1429 मामले सामने आए हैं। पिछले साल की बात करें तो इन मामलों की संख्या लगभग 2168 थी। ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है कि साल 2012 में कुल 706 रेप के मामले दर्ज किए गए थे जिसमें 16 दिसंबर की रात हुए निर्भया के साथ गैंगरेप का मामला भी शामिल था। हैरानी की बात तो ये है कि 8 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बीमार मानसिकता वाले लोगों की कमी नहीं है लिहाजा आज भी छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ रेप छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये आंकड़े डरा देने वाले हैं। दहेज के लिए हत्या के मामले भी दिन पर दिन घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि लड़कियां अपने आप को कहीं भी सुरक्षित महसूस करने में संकोच करती हैं। निर्भया के पिता ने भी कहा था कि बेटी से रेप और हत्या मामले में दोषियों का अंजाम भले ही सब देख चुके हो लेकिन देश की सड़कों पर महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखकर तो यही लगता है कि कुछ नहीं बदला। बता दें 16-17 दिसंबर 2012 की रात दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में एक 23 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रेप हुआ था और फिर उसे सड़क पर फेंक दिया गया था। 29 दिसंबर तक निर्भया जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही लेकिन सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। इस मामले में इसी साल 6 में से 4 दोषियों को मौत की सजा दे दी गई। दोषियों में से एक राम सिंह ने तिहाड़ जेल में कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी जबकि एक नाबालिग को 3 साल सुधार गृह में गुजारने के बाद 2015 में रिहा कर दिया गया था।